जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास की आपकी क्लास 12 होने वाली है। आज की क्लास में हम सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो सबसे पहला जो पॉइंट है आपका वो है भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया। ये पॉइंट ज्यादातर पेपर में मैंने देखा है। ठीक है, भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले किसने किया? ईरानियों ने किया। भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले ईरानियों ने किया। दूसरा पॉइंट है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाला शासक। अब पूछ रहा है कि भाई ईरानियों में जो सबसे पहले आक्रमण कर रहा है उस शासक का नाम बताइए, तो आप बताओगे डेरियस फर्स्ट। भारत में पहला ईरानी था, पहला शासक था जिसने आक्रमण किया था। ठीक है, और ये डेरियस फर्स्ट किस वंश से संबंधित था? हकमनी साम्राज्य या हकमनी वंश से था। अब आप देख लीजिए, डेरियस फर्स्ट ने किस किस को जीत लिया था? इसने गंधार को, कंबोज को जीत लिया था। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट है आपका, ईरानियों के बाद मतलब के ईरानी जीत गए थे गंधार और कंबोज को, फिर इसके बाद कौन आए? तो इसके बाद यूनानी आया था। यूनानी का मतलब यूनानी में सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जिसको हम किसका युद्ध कहते हैं? उरुवेला का युद्ध या गोगा माला का युद्ध कहते हैं। ठीक है, ये युद्ध कब हुआ? 331 बीसी में ये युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? डेरियस फर्स्ट के बीच में और सिकंदर के बीच में। कहा जाता है कि सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था। सिकंदर ने पूरी दुनिया को नहीं जीता था, सिकंदर ने 5% ही जीता था। ठीक है, समझ गए ना। अब हम थोड़ा सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं, जो पॉइंट्स आपके सिकंदर के बारे में पूछे जाते हैं उनको ही थोड़ा देखेंगे। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर मकदूनिया का शासक था। ये मकदूनिया कहाँ पर था? यूरोप में। ठीक है, जिसको हम मैसेडोनिया का शासक भी कहते हैं। ठीक है, सिकंदर के पिता का नाम पूछता है पेपर में फिलिप। सिकंदर का उपनाम अलेक्जेंडर द ग्रेट। सिकंदर के बारे में देख लो, भारत में 326 बीसी में आया था सिकंदर और वापस कब गया? 325 बीसी में। ठीक है, कुल 19 महीने ही सिकंदर भारत में रहा था। साथियों, आपका अगला पॉइंट है, सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ और ये युद्ध किसके साथ हुआ, कब हुआ, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, सिकंदर का भारतीय शासक से युद्ध हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ, जिसको झेलम का युद्ध भी कहते हैं, इसको हम बितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। पेपर में अगर पूछ लेगा झेलम का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि दीदी हमको तो सिर्फ हाइडेस्पीज ही याद रहा था। इसको हम हाइडेस्पीज का युद्ध, झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध, तीनों युद्ध कहते हैं। ठीक है, अब ये युद्ध 325 बीसी में हुआ था। 325 बीसी में राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। सिकंदर की पत्नी का नाम रेक्सोना। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु कौन कौन थे? अरस्तु थे, प्लेटो थे, सुकरात थे। ठीक है, अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स बुक इंपॉर्टेंट है, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक। अब बात करते हैं सिकंदर के साथ आए हुए कौन कौन से व्यक्ति थे जो भारत आए थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का थल सेनापति था, निर्याकस जो कि जल सेनापति था, फिलिप सिकंदर के पिताजी नहीं थे, ये सिकंदर का प्रबंधक था, मैनेजर था। ठीक है, एना सिक्रियस इतिहासकार था, अरिस्टोबुलस भी इतिहासकार था। ये 5 व्यक्ति सिकंदर के साथ भारत आए थे। साथियों, अब हम बात करते हैं सिकंदर की जो पसंदीदा पुस्तक थी वो कौन सी थी। इसको ये हमेशा अपने पास रखता था, इसकी फेवरेट पुस्तक थी इलियड। इलियड इसकी पुस्तक थी। इलियड के लेखक पूछे जाए तो होमर। कौन है? होमर। ठीक है,
सिकंदर के घोड़े का नाम बऊ केफला, क्या था? बऊ केफला, इसके नाम पर इसने निकेया नगर बसाया था। बऊ केफला निकेया नगर बसाया, ठीक है। ये पॉइंट्स आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई, 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैंने सिकंदर के बारे में जितने भी पॉइंट्स आपको कराए हैं सारे आपको याद रखने हैं। सिकंदर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपका यही से क्वेश्चन बनेगा, अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, समझ गए ना। अब हम पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का शासनकाल 322 बीसी से 185 बीसी तक रहा था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, मौर्य वंश में प्रधानमंत्री कौन थे, आचार्य चाणक्य। इनके अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य या इनको भारत का मैकियावेली कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, मौर्य वंश में प्रधानमंत्री कौन थे, आचार्य चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य के अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली इनको कहा जाता है, ठीक है। आचार्य चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र, ये किससे संबंधित है, ये राजनीति से संबंधित है, ठीक है साथियों। साथियों अब हम पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पेपर में बन जाता है। 323 बीसी से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था दुर्धरा। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम दुर्धरा। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम कौन कौन से थे। इसको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता था, मतलब ऐसा कहा जाता है कि इसने भारत को मुक्ति दिला दी थी, इस वजह से इसको भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसको एक और अन्य नाम से जानते हैं, एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस नाम चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दिया, यह भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। एपियन और प्लूटॉर्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस नाम दिया। अब बात आती है कि दीदी आपने सैंड्रोकोटस भी तो लिखाया है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के साथ साथ सैंड्रोकोटस नाम भी दिया गया। सैंड्रोकोटस नाम जस्टिन ने दिया था। किसने दिया था, जस्टिन ने। एक युद्ध आता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, ठीक है। ये युद्ध कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि बताइए सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध कब हुआ, तो आप बोलोगे 305 बीसी में हुआ था, ठीक है ना। अगला पॉइंट, अब इस युद्ध में कौन जीता कौन हारा ये भी पता होना चाहिए। इस युद्ध को हारने के बाद कौन हार गया, भाई सेल्यूकस निकेटर हार गया था इस युद्ध को, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध को हारने के बाद इसने क्या किया, इसने अपनी बेटी कार्नेलिया, जिसको हेलेना बोला जाता है, ठीक है, कार्नेलिया हेलेना की जो शादी थी वो किससे करा दी, चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। अब बात करते हैं, और दहेज में इसने क्या क्या दे दिया था निकेटर ने, इसने चार प्रांत दिए थे, चार राज्य दिए थे, वो कौन कौन से थे, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। इसने चार प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। साथियों मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा मैंने लिखाया था, फिर इन्होंने दूसरी शादी किससे की, हेलेना के साथ, ठीक है। युद्ध में निकेटर हार गया था, उसने अपनी पुत्री की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी और उसने चार प्रांतों को दे दिया था। लेकिन जो चाणक्य थे ना, उन्होंने बोला था कि भाई आप शादी तो कर रहे हो लेकिन आगे आने वाले समय में गद्दी पर दुर्धरा का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, ना कि हेलेना का, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन भी याद रखनी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, चार प्रांत देने के साथ साथ ही निकेटर ने अपना एक दूत मेगास्तनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा।
मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका। इंडिका पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है? पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जूनागढ़ अभिलेख के बारे में। जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी किया? रुद्र दामन ने जारी किया। इसी से सुदर्शन झील, इसी से जूनागढ़ अभिलेख से सुदर्शन झील का वर्णन मिलता है। सुदर्शन झील को ही सौराष्ट्र गुजरात के नाम से जाना जाता है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे पुष्यगुप्त, इन्होंने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। अब बात करते हैं जूनागढ़ अभिलेख में, पहला अभिलेख था जो कि किस भाषा में था? संस्कृत भाषा में। अगला पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, किस धर्म को मानता था? तो ये जैन धर्म को मानता था। जैसा कि साथियों अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है, और इसने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली? भद्र बाहु से ली। अब बात करते हैं इसके बाद, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सारा साम्राज्य अपने पुत्र बिंदुसार के हाथ में सौंप दिया और खुद कहाँ चला गया? श्रवणबेल गोला में। अब बात करते हैं कि श्रवणबेल गोला कहाँ पर है? कर्नाटक में। श्रवणबेल गोला में चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर संलेखना व्रत द्वारा अपने प्राण दे दिए, ठीक है, व्रत रखा था जिसका नाम था संलेखना। अब बात करते हैं बिंदुसार के शासनकाल की। बिंदुसार का शासनकाल 298 बीसी से 273 बीसी तक रहा था। बिंदुसार के अन्य नाम अमित्रघात, बारिशार, भद्रसार, सिंहसेन बिंदुसार के अन्य नाम थे, ठीक है। अब बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आए थे? फिलाडेल्फस और डायमेकस आए। फिलाडेल्फस को किसने भेजा? टॉलमी द्वितीय ने। टॉलमी द्वितीय मतलब कि कहाँ से भेजा? मिश्र से, ठीक है। और डायमेकस को एंटियोकस ने सीरिया से भेजा था। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेशन चल रहा है। साथियों अब आप देख लीजिए बिंदुसार। बिंदुसार ने अपने समय में तक्षशिला में अशांति को पाया था, ठीक है ना। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में क्या थी? अशांति थी, ठीक, जिसका दमन करने के लिए अब इसने अपने पुत्र सुषीम को भेजा था। अब बात करें कि बिंदुसार के कितने पुत्र थे? तो बिंदुसार के दो पुत्र थे, सुषीम और अशोक, ठीक है। बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री कौन थे? चाणक्य थे। सम्राट अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं, ये सुषीम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अशोक के बारे में ही पढ़ेंगे। अशोक का शासनकाल 269 बीसी से 232 बीसी तक रहा। अशोक का जन्म कब हुआ? अशोक का जन्म 304 बीसी में हुआ। अशोक की माता जी का नाम सुभद्रांगिता, ठीक है। अशोक के अन्य नाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं, देवनाम प्रियदसी या प्रियदसी अशोक के अन्य नाम है। अशोक के नामों का जो उल्लेख मिलता है किस अभिलेख में मिलता है ये भी पता होना चाहिए। माशकी अभिलेख में मिलता है अशोक के नाम का उल्लेख। माशकी अभिलेख आपका कर्नाटक में है। गुर्जरा अभिलेख में मिलता है जो कि मध्य प्रदेश में है। नेट्टूर अभिलेख में अशोक के नाम का वर्णन मिलता है जो कि कर्नाटक में है। उदया गोलान में अशोक के नाम का वर्णन मिलता है जो कि कर्नाटक में है। साथियों अब बात करते हैं भव्र अभिलेख की। भव्र अभिलेख कहाँ का है? राजस्थान का, ठीक है। भव्र अभिलेख में अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए वो कौन सा अभिलेख है जिसमें अशोक ने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है, तो आप बोलोगे भव्र अभिलेख में, ठीक है। अभिलेखों को पेंथेलर ने 1905 में खोजा था। ये सेशन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है, जब भी आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे तो इनमें से ही आपको प्रश्न देखने को मिलते होंगे, कहीं अलग से नहीं आते वो प्रश्न, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ।
अब आप देख लो 1837 में अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा 1837 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अशोक के अभिलेखों की भाषा देख लो, भारत में ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं, पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि में अभिलेख मिले हैं, अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि में अभिलेख मिले हैं, एशिया माइनर तुर्की में ग्रीक लिपि में अभिलेख मिले हैं। साथियों अब हम पढ़ेंगे कलिंग युद्ध के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अशोक का युद्ध है ये, ठीक है, 261 बीसी में हुआ था। बोला जाता है कि जब से ये गद्दी पर बैठा और यहाँ तक इसके 8 वर्ष थे, ठीक है। कलिंग युद्ध कहाँ पर हुआ, ओडिशा में हुआ था। अशोक की राजधानी क्या थी, तोसली थी, क्या थी, तोसली। और जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय राजा कौन थे, पद्मनाथ, ठीक है। किस नदी पर हुआ, ये दया नदी के किनारे युद्ध हुआ था। अशोक ने कौन सी नीति अपनाई थी बाद में, वो नीति थी भेरी घोष की नीति, जिसको युद्ध की नीति भी बोला जाता था। लेकिन बाद में अशोक ने शांति की नीति अपनाई, शांति की नीति बोले तो धम्म की नीति अपनाई, ठीक है। साथियों जैसा कि आप देख रहे हैं, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अशोक ने अपने भतीजे निग्रोथ से ली थी। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा ली थी उपगुप्त से, ठीक है। अशोक की पत्नियां देख लो, देवी, कारुवाकी, पद्मावती। अब आप कह रहे होंगे दीदी ये क्या है, देखो देवी का जो पुत्र था वो महेंद्र था, ये देवी की दो पुत्रियां थी शृंगविता और चारुमती, कारुवाकी का पुत्र तीवर था, पद्मावती का पुत्र कुणाल था, जो अशोक के बाद गद्दी पर बैठा था, इसको उत्तराधिकारी बनाया गया, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रचार अशोक ने कहां कहां पर किया और किस किस को भेजा, तो देख लो महेंद्र शृंगविता को भेजा, ठीक है, समझ रहे हो ना, देवी के पुत्र और पुत्रियां हैं महेंद्र और शृंगविता, ठीक है। कहाँ भेजा, श्रीलंका में भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तक्षशिला में मंज झांतिक को भेजा और हिमालय में मंजिम को भेजा, ठीक है ना, ये दो व्यक्ति हैं, इनको अलग अलग भेजा। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे पहले शिलालेखों का प्रारंभ किसने कराया, अशोक ने कराया। इससे पहले हमने शिलालेखों का प्रारंभ नहीं देखा ना भारत में, अशोक के काल में ही शिलालेखों का प्रारंभ हुआ था। अशोक के शिलालेख कितने हैं, 14 हैं, स्तंभ लेख पूछे जाए तो 7 हैं, गुहा लेख 3 हैं, ठीक है। पहले शिलालेख में किस किस के बारे में बोला गया है, पशु बलि की निंदा की गई है और अहिंसा के बारे में बताया है, समस्त प्रजा हमारे पुत्र हैं, ये भी पहले शिलालेख में बोला गया है। दूसरे शिलालेख की बात करें तो दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा का वर्णन है, दक्षिण राज्यों का उल्लेख है, दक्षिण राज्यों में चेल, चोल, पांडे, सातिपुत्र इसका वर्णन है, ठीक है साथियों। साथियों अब हम बात करेंगे तीसरे शिलालेख की, कि तीसरे शिलालेख में क्या दिया हुआ है। तीसरे शिलालेख में अधिकारी गढ़ के बारे में बताया गया है, रज्जुक, युक्तक, प्रदेशक, किसके अधिकारी थे, अशोक के अधिकारी थे। अशोक ने बोला था कि प्रत्येक 5 वर्ष में आप करोगे भ्रमण, ठीक है, भ्रमण के बारे में, अधिकारियों के भ्रमण के बारे में किसमें बताया गया है, तीसरे शिलालेख में। अब बताते हैं आपको चौथे शिलालेख में क्या बताया गया है, बेरी घोष नीति के स्थान पर अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था। ये मैं आपको बता चुकी हूं ना कि धम्म नीति को ही शांति वाली नीति बोला जाता है। अब आप देख लो पांचवें शिलालेख में बोला है धम्म महापात्र के बारे में, छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण के बारे में बोला गया है, यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी रज्जुक, युक्तक, प्रदेशक, ठीक है, किसी भी समय
अशोक के शासनकाल में आ सकते हैं और उस बात को रख सकते हैं। शिलालेख साथ में क्या बोला गया है, धार्मिक समन्वयन के बारे में, मतलब धार्मिक से संबंधित जो भी बातें हैं सातवें शिलालेख में है। आठवें शिलालेख में धम्म यात्रा के बारे में, जो शांति वाली यात्रा अशोक ने की थी, कब की थी, 295 बीसी में और 294 बीसी में। 295 बीसी में अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की थी, ठीक है ना, अपने 10वें वर्ष में, शासनकाल के 10वें वर्ष में। और लुम्बिनी की यात्रा अशोक ने 294 बीसी में की थी, मतलब कि अपने शासनकाल से 20वें वर्ष में। अब आप देख लो 13वां शिलालेख जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में बताया गया है। 14वें शिलालेख में सद्भावना के बारे में बताया गया है। अशोक के स्तंभ लेख, मैंने बताया है ना आपको कि 7 स्तंभ लेख हैं, कौन कौन से हैं, दिल्ली टोपरा पहला है, दूसरा है आपका मेरठ टोपरा, तीसरा कौशाम्बी, चौथा है लौरिया अरारोजा जो कि बिहार का है, पांचवा शिलालेख है आपका, सॉरी पांचवा स्तंभ लेख है आपका लौरिया नंदनगढ़ जो कि बिहार का है, छठवा रामपुरा भी आपका बिहार का है, और सातवा अशोक स्तंभ लेख है। साथियों, अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया है। साथियों, आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।